हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टेबलाइजर की बात करेंगे कि जो हमारे एसी पे स्टेबलाइजर लगाया जाता है, क्यों लगाए जाते हैं, और जो ये स्टेबलाइजर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसकी क्या रेंज है, क्या आउटपुट देगा, क्या इनपुट रहेगी, और ये कितने की प्राइस है, और कितने टाइप का पैकिंग हुआ था, सारी कंप्लीट बातें करेंगे। तो आज सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम लोग जो एसी पे स्टेबलाइजर का यूज़ क्यों करते हैं, एसी का कनेक्शन कैसे किया जाता है, आपको अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ स्टेबलाइजर और इसके जितने भी पार्ट यूज करते हैं, जंक्शन बॉक्स वगैरह का, तो सभी इसके बारे में मैं जानकारी दे दूंगा। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि जो स्टेबलाइजर है, जो वी गार्ड कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, वी गार्ड कंपनी का स्टेबलाइजर है। मॉडल नंबर की बात किया जाए तो VG400 यानी 400 है मॉडल नंबर की बात किया जाए। और इसका जो एप्लीकेशन है, जो डिजाइनेड टू प्रोटेक्टेड है, तो योर एयर कंडीशनर यानी ओनली एसी के लिए यूज कर सकते हैं। एसी हमारे जो आजकल गर्मियों में यूज कर रहे, चलाने के लिए कूलिंग करती है, उसमें लगाते हैं। वर्किंग रेंज है इसकी जो है, तो 170 वोल्ट से 270 वोल्ट एसी सप्लाई के लिए दिया गया है। वारंटी की बात किया जाए तो दोस्तों, यहाँ पे 3 साल की स्टेबलाइजर पे वारंटी दी गई है। अब इसमें बॉक्स को अनबॉक्स करूंगा और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी प्राइस के बारे में, कंपनी नेम के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे कंपनी जो हमारी मॉडिफाइड किया गई थी, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। मॉडल नंबर है VG400 यानी 400 है बोल सकते हैं। कैपेसिटी है इसकी 12 एम्पियर। और जो पैकेट ये जो पैक किया गया था, तो इसकी पैकेज डेट है मार्च 2022 में। MRP है तो MRP आप देख लीजिए, 2750 रुपीज़ में हमें मिला है। और इसकी जो क्वालिटी है, सारी वगैरह वगैरह आप लोग देख लिए होंगे, वहाँ पे सारी चीज़ दिखा रही है। अब मैं स्टेबलाइजर को ओपन करता हूँ, सारी चीज़ इसको बताता हूँ कि अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी देखने को। चलिए, सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ इस स्टेबलाइजर को। ये हमारा स्टेबलाइजर ओपन हो चुका है, अनबॉक्सिंग कर दिए। अब इसमें मैं देखूंगा, इसमें से दो कुछ कागज डाले हुए हैं, इस कागज के बारे में मैं पहले बात करूंगा। इसमें पहला कागज दिया है कि स्टेबलाइजर बिल माउंटिंग प्रोडक्ट, आपको स्टेबलाइजर को कैसे दीवार में हैंग करना है। 3 स्टेप दिया गया है कि आपको सबसे पहले ड्रिल करना है दीवार पे, ड्रिल पे स्क्रू कसना है, फिर स्क्रू में अपन को हैंगिंग कर देना है, लटका देना है। तो ये तो हमारे जानकारी या हमारे नॉलेज के लिए दिया गया था कागज। अब इसमें से जो दूसरा मुझे एक कार्ड मिला है, इस कार्ड में इसी बॉक्स के अंदर डाला था, ये वारंटी कार्ड है। इसमें से सिर्फ 3 ईयर की वारंटी है वोल्टेज स्टेबलाइजर की, और ये वारंटी कार्ड हमें 3 साल संभाल के रखना है। यदि स्टेबलाइजर किसी भी प्रकार के डैमेज होता है, किसी प्रकार के खराब होता है, तो हमारी ये वी कार्ड, ये जो हमारा वारंटी कार्ड है, इस वारंटी कार्ड के माध्यम से हम इसको चेंज कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। वारंटी का मतलब यही होता है कि किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम होती है तो आपको बना के या रिपेयर करके दोबारा वो दे देंगे। ये हमें एक बहुत बेनिफिट है कि हमें एक वारंटी कार्ड भी मिल गया है। अब आते हैं इस स्टेबलाइजर में, हम बता देते हैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले पावर केबल की बात कर लेते हैं। इसमें 3 कोर की पावर केबल दी गई है। जो हमारा रेड वाला वायर होता है तो ये फेस के लिए होता है, जो ब्लैक वाला है तो न्यूट्रल के लिए होता है, और जो ब्लू वाला होता है, ग्रीन वाला जिसको बोलते हो, ये अर्थिंग के लिए होता है। अर्थिंग होता है प्रोटेक्शन के लिए, किसी भी प्रकार के, आप लोगों को तो मालूम होगा कि कोई भी प्रकार के बॉडी पे करंट आ जाता है, कुछ भी होता है, तो अर्थिंग के माध्यम से ग्राउंड हो जाता है। तो ये हमारा रेड वायर फेस के लिए, ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए, और इसको हम अर्थिंग के लिए यूज कर लेंगे। ये हमारे केबल दी गई है। यहाँ पे हम कनेक्शन कर सकते हैं आउटपुट के लिए, जो हमारे यहाँ से आउट, ये तो इनकमिंग केबल है। यहाँ पे हम सप्लाई देंगे तो स्टेबलाइजर पे आएगा। इस स्टेबलाइजर से जो आउटपुट निकलेंगे, तो हम आउटपुट इस स्टेबलाइजर को एसी पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ स्टेबलाइजर में 2 तरह की, आपको रेड कलर और ब्लू कलर की 2 सिग्नल जलेंगे, एक इनपुट के होता है, एक आउटपुट का होता है सिग्नल। और इसमें सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। अब इसके साथ और हमें जो डिवाइस यूज करना पड़ता है प्रोटेक्शन के लिए, तो वो है हमारे पास एक एसी बॉक्स। ये है एसी बॉक्स। इसके पहले मैं इस स्टेबलाइजर की वोल्टेज की रेंज बात कर लेता हूँ। यहाँ पे दिया गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ बगल पे हमारे, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। मॉडल नंबर VG400 है, और जो कैपेसिटी है इसकी 12 एम्पियर है।
यानी कि 12 एम्पियर कैपेसिटी तक ये सह सकता है। वर्किंग रेंज है 170 वोल्ट से 270 वोल्ट एसी सप्लाई पर, यानी 50 हर्ट्स। फिर इसके बाद बोलते हैं केबलेशन, आप केलर्जी है प्लस माइनस 2%, ये ऊपर नीचे वोल्टेज को सह सकता है। टाइम डिले है 3 मिनट प्लस माइनस 20 सेकंड, 3 मिनट प्लस माइनस 20 सेकंड टाइम डिले है। अप्लीकेशन है 1 एयर कंडीशनर, यानी हम इसको सिर्फ यूज, जो अप्लीकेट्स है ये जो बनाया गया है तो एसी के लिए बनाया गया है, हम एसी में ही यूज कर सकते हैं। और फिर कुछ नहीं, बारकोड दिया गया, मॉडल नंबर दिया गया है। तो आपको भी पता चल गया होगा कि 270 वोल्ट से 170 वोल्ट से 270 वोल्ट सप्लाई के लिए, वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हैं। और इसकी जो 12 एम्पियर करेंट फ्लो या करेंट की रेंज की क्षमता है, और इसका जो टाइम डिले है जो ऑटोमेटिक कट करने की क्षमता है 3 मिनट से 20 सेकंड तक के लिए है। तो इसमें कुछ नहीं ज़्यादा। अब आगे आते हैं, बात करते हैं इस बॉक्स की, एसी बॉक्स से। ये इसमें हम यही करते हैं कि इसमें आउटपुट, इसका जो आउटपुट निकलेगा तो इसमें देंगे, और फिर इस टॉप को हम कनेक्ट करके एसी पे सप्लाई दे देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देते हैं, इनकमिंग जाती है, फिर जो आउटपुट इस स्टेबलाइजर से गुजर के निकलता है तो इस बॉक्स पे आती है। इस बॉक्स पे एक एमसीबी लगाई जाती है, इस एमसीबी को हम ऑन करेंगे तो हमारी ये इस टॉप के माध्यम से एसी पे सप्लाई चली जाती है, हमारी एसी ऑन हो जाती है। ये प्रेस टॉप का बनाया गया है बॉक्स है, और इसमें जो हम लोग एमसीबी यूज कर ले रहे हैं तो एमसीबी हमारी नॉर्मल बी टाइप की एमसीबी है। बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप, बहुत टाइप की एमसीबी आती हैं। तो जो मैं यूज कर रहा हूँ, अक्सर यूज किया जाता है घरों के एप्लीकेशन के लिए, तो बी टाइप एमसीबी यूज किया जाता है। तो ये हमारी एमसीबी जो बी टाइप की एमसीबी यूज कर रहे हैं, ये हमारा सॉकेट है, ये प्लग है, 2 पिन 3 पिन कहते हैं, ये भी हमारा 2 पिन का है, ये भी हमारा 2 पिन का है। तो अक्सर हम लोग इसी का यूज करते हैं अपने एसी में। अब बात किया ये जाए कि हम लोग स्टेबलाइजर लगाते क्यों हैं, ये सारा तामझाम लगाने का मेन मकसद हमारा क्या है। तो स्टेबलाइजर से हमारे जो एप्लीकेशन है, जो हमारी मशीन है, उसकी लाइफ बढ़ती है। पहली बात क्या होता है कि कभी कभी वोल्टेज की रेंज बढ़ती है और ऑटोमेटिक घटती है लोड के अकॉर्डिंग। तो हमारी जो एसी में लगी हुई डिवाइसें होती है, मोटर होती है, कंप्रेसर होता है, अक्सर वो डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उन्हीं की सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए ही हम लोग ये सारा चीज़ लगाते हैं, स्टेबलाइजर, एमसीबी, बॉक्स। स्टेबलाइजर क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज बनाकर सिर्फ हमारे एसी को देता है। इसके पहले यदि स्टेबलाइजर के पहले जो सप्लाई होती है कम ज़्यादा होती रहे, बट ये जो हमारे स्टेबलाइजर का आउटपुट है तो वो कांस्टेंट वोल्टेज ही देगा। मान लीजिए यदि हमारी एसी 250 वोल्ट की सप्लाई पर चलती है, हम मैंने सेट कर दिया है, और यदि स्टेबलाइजर में 230 आ रही है, 220 आ रही है, कम ज़्यादा हो रही है, तो हमारा स्टेबलाइजर वोल्टेज को मैनेज करके आउटपुट पर सिर्फ 250 वोल्ट ही एसी को देगा। और यदि हम स्टेबलाइजर नहीं लगाते तो हमारे वोल्टेज की जो रेंज होती है कम ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पर हमारी एसी डैमेज हो जा सकती है, कंप्रेसर ख़राब हो सकते हैं, कूलिंग नहीं कह रही, उसकी भी जितने भी डिवाइसेस हैं जल जाएंगी। इसलिए हम लोग इस एसी के पहले, एसी का कनेक्शन करने से पहले स्टेबलाइजर की यूज करते हैं। एमसीबी सबको मालूम होगी कि ऑन ऑफ करने के एक स्विच टाइप की है, सिंगल पोल की एमसीबी है, बी टाइप की एमसीबी है। इस जंक्शन बॉक्स का मतलब ये होता है कि जो इसका आउटपुट निकलेगा तो हम इस सॉकेट के माध्यम से एसी सप्लाई पर देते हैं। अब इसका प्रॉपर कनेक्शन आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, आप देख लेना कि इस स्टेबलाइजर को कैसे हैंग करना है, इस बॉक्स में कैसे सप्लाई देना है आउटपुट इस स्टेबलाइजर में का जो निकलेगा, और इस स्टेबलाइजर में इनकमिंग सप्लाई कैसे देना है, फिर हमारी एसी कैसे ऑन होती है, हम आपको पूरा प्रोसेस अगले वाले वीडियो में ही बताएंगे। अभी सिर्फ मैं स्टेबलाइजर के बारे में बात किया हूँ और इस जंक्शन बॉक्स के बारे में बात किया हूँ कि स्टेबलाइजर क्यों लगाते हैं, जंक्शन बॉक्स क्यों लगाते हैं, कौन सी कंपनी का हमारा स्टेबलाइजर है, कौन सी कंपनी का हमारा ये बॉक्स है, ये सारा चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। ये हमारा जो प्लग टॉप है एनजोर का है। तो सारे डिवाइस, सारे टूल्स हमारे पास हो गए हैं। अब हम आपको अगले वाले वीडियो में ही बताएंगे कि हमारी जो इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, स्टेबलाइजर का, इस बॉक्स का कनेक्शन कैसे किया जाता है, और कितने वोल्टेज रेंज पर हमारी एसी चल रही है, कितने कूलिंग कर रही है, सारा चीज़ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बता देंगे।
यदि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा वीडियो, तो आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर देना। थैंक यू।